हेलो भाई, स्वागत है आपका यूवी सैनी की एक नई वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ ऐसी गलती जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो है भाई गाड़ी के मैट से रिलेटेड। तो क्या होता है जब गाड़ी लोग नई ले लेते हैं या फिर बाद में भी जब वो मैट चेंज करवाते हैं गाड़ी में, तो वो 75D मैट्स जो नए टाइप के आजकल मार्केट में आ रहे हैं वो लगवा लेते हैं। उससे क्या होता है, जब आपका ये क्लच प्रेस होता है ना, तो वहां पे मैट अट जाता है आपका। जैसे ये मैट है, ये मेरा यहाँ तक अटता है, उसकी वजह से क्लच पूरा प्रेस नहीं हो पाता। जैसे 100% ट्रेवल है क्लच का, तो वो 90 तक ही आके रह जाता है। उसकी वजह से बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी में, क्रिएट हो जाती है। तो मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं राजस्थान ट्रिप से आ रहा था, गाड़ी को 2 साल होने ही वाले थे, मतलब 1-2 महीना रह रहा था, 34,000 के आसपास गाड़ी चली थी। तो क्या हुआ, जब गाड़ी लोड में थी हमारी, तो आते हुए मैंने एक्सपीरियंस किया, जब फर्स्ट गियर एंगेज कर रहे थे ना, फर्स्ट गियर डाल रहे थे गाड़ी में, तो गाड़ी झटके मारने लग रही थी। तो समझ नहीं आया मुझे भी, मुझे लगा वहम भी हो सकता है। फिर मेरे फादर ने ड्राइव की, वो भी बोले कि मुझे भी सेम लग रहा है, झटका मार रही है गाड़ी। फिर हमने सर्विस सेंटर में दिखाया, तो सर्विस सेंटर में मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी क्लच का काम मांग रही है। तो हमें समझ नहीं आई इतनी जल्दी क्लच का काम कैसे गाड़ी मांग सकती है। फिर हमने बात की मैकेनिक से, वो बोला आप क्लच पे पैर रख के चलाते होगे। फिर वो तो हमें पता ही था, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्लच पे। तो हमने कहा उसको हम नहीं रख के चलाते, हमें पता है कि इससे डैमेज होती है क्लच। वो बोला एक और कारण हो सकता है, बोले आपके मैट के कारण होगा। फिर हमने देखा तो वही बात मिली, वो गाड़ी का मैट था वो यहाँ तक आ रहा था गाड़ी के, तो उससे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी गाड़ी में क्लच प्रेस करते हुए, जिसकी वजह से गाड़ी में क्लच का काम आया। तो हमने उससे सीख ली कि जो गाड़ी के स्टॉक मैट्स है वो रखो, या फिर आप ये इस टाइप के मैट्स डाल भी रहे हो तो उनकी प्रॉपर कटिंग करके डलवाओ, ताकि आपके क्लच को प्रेस होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें, ताकि आपको भी मेरी तरह नुकसान ना उठाना पड़े इसका। और जो मैट है गाड़ी के, मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि आप कंपनी फिटेड ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी वजह से भी कोई सोच सकता है कि इसकी वजह से भी गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। मेरा तो खुद मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ा, और वो तो शुक्र है कि रास्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। फिर मैकेनिक ने बताया कि थोड़ी बहुत और चल सकती है आपकी क्लच, पर फिर हमने कहा कि उसको अब तो आप इसको चेंज ही कर दो, क्योंकि फिर बार बार वही दिमाग में टेंशन सी रह जाती है। तो भाई ये था आज की इस वीडियो में, जिसमें आपको इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपका फ्यूचर में नुकसान हो सके। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और यूवी सैनी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।